Naturally, let's move on to chapter number 14, and the name of the chapter is Indian Civilians. Test your general knowledge by finding when the following events occurred in India. आपको बताना है कि ये जो events हैं, वो कब हुए थे इंडिया में. The events cover the Indian scenario beginning from the era of the Indus Valley Civilization to the present. तो ये जो events हैं, जब Indus Valley Civilization आया था, जब से लेके अब तक, ये सारी चीजें यहाँ पे mention हैं. So what you have to do? You have to write down their time. So पहला था Gupta Dynasty. रूल द कंट्री, कब इन्होंने, कब से कब तक इन्होंने हमारी कंट्री इंडिया को रूल किया था. तो इन्होंने रूल किया था 20 AD से 550 AD तक. नेक्स्ट, अरब ट्रेडर्स अराइव्ड इन इंडिया. अरब ट्रेडर्स इंडिया में कब आए? 7th century AD में आए थे. हंस इन्वेजन फ्रॉम सेंट्रल एशिया ओवर थ्री गुप्ताज. हंस जो थे उन्होंने इन्वेट किया था सेंट्रल एशिया को और गुप्तास को वहां से भगा दिया था. कब भगाया था? मिड 5th century AD में, मतलब 5th century के मिड में. मुस्लिम रूलर्स इन्वेडेड इंडिया. मुस्लिम रूलर्स की एंट्री हो गई थी इंडिया में, और कब हुई? 8th century AD में. क्वीन विक्टोरिया बिकेम द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. क्वीन विक्टोरिया कब बनी इंडिया की एम्प्रेस? 1877 में. The British divided India, carving out Pakistan as a separate country. Britishers ने India को दो parts में divide कर दिया था, India और Pakistan को एक अलग country बना दिया था. तो ये कब हुआ? 1947 में. Next, the Delhi Sultanate, the first Muslim kingdom, was founded. दिल्ली सल्तनत कब पाई गई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज फाउंडेड टू स्ट्राइव फॉर द कंट्रीज इंडिपेंडेंस. कंट्री के इंडिपेंडेंस के लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाया गया था. कब बनाया गया था? यू हैव टू राइट योर सेल्फ. नेक्स्ट, 9th इज मुस्लिम लीग वॉज फाउंडेड टू फाइट फॉर द सिविल राइट्स ऑफ मुस्लिम. मुस्लिम्स के सिविल राइट्स के लिए लड़ने के लिए ये मुस्लिम लीग बनाई गई थी. कब बनाई गई थी? राइट इट हियर. 10th इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटीज बिगन टू एमर्ज. अब जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो सिटीज थे वो बनने लगे थे. बाबर लेट फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर इन इंडिया. बाबर ने मुगल एम्पायर की स्थापना की थी इंडिया में. कब की थी? And according to Rigved, Aryans had settled in India. Rigved के according अगर कहा जाए तो Aryans इंडिया में आ चुके थे. तो कब आए थे? This you have to write. So all these questions from 7 to 12 you have to answer yourself.